बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आवर सब्जेक्ट इज़ प्लांट सिस्टमेटिक्स एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर सहरिश उमर। आज हमने अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट द अंडरग्राउंड स्टेम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली एरियल स्टेम को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि स्टेम होती क्या है, उसके बेसिक करेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि ये जो है वह अबव द ग्राउंड पाया जाता है, ये पार्ट प्लांट का, और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स मौजूद होते हैं, इससे शूट निकलती है, लीव्स होते हैं इसके ऊपर, और एक टर्मिनल बड मौजूद होती है इसके अपेक्स पर। ठीक है, तो ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी स्टेम की। उसके बाद हमने एरियल जो है स्टेम को जो है डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी सब टाइप्स भी हमने देखी थी एग्जाम्पल्स के साथ। आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, ऐसी स्टेम जो कि ज़मीन के नीचे पाई जाएगी उसे आप क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम। जबकि हमने जो डेफिनेशन देखी थी हमने उसमें हमने कहा था कि ये बेसिकली अबव द ग्राउंड पार्ट पाया जाता है, लेकिन क्योंकि जो कॉमन जो है ये अबव द ग्राउंड ही होता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर। अंडरग्राउंड स्टेम ऐसी स्टेम है, दी स्टेम्स ग्रो अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड पाई जाती है, ऑफन थिक एंड स्वोलन विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर फूड। थिक होती है और स्वेल होती है ताकि इसके अंदर फूड को स्टोर किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की जो है फूड स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जैसे कि पोटैटो है, हम वो भी जो है बेसिकली स्टेम होती है, हम उसको उसकी जो है स्टार्च को हम ह्यूमन बींग यूज़ कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की ये जो हर्ब्स होती हैं, परीनियल हर्ब्स जिसको हम कहते हैं, परीनियल प्लांट्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हमने कहा था ऐसे प्लांट जिनके जो लाइफ स्पैन है या जिनके जो ग्रोइंग सीज़न है वो बहुत सारे सालों पर मुश्तमिल होगा, उसमें मैनी ईयर्स आएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, परीनियल प्लांट्स। तो परीनियल हर्ब्स के अंदर जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम मौजूद होती है। ठीक है, इनके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा इनके अंदर एक्सिल ऑफ लीव्स मतलब लीव्स भी इनके अंदर अराइज होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह के टाइप्स हैं, जैसे कि राइजोम, कॉम, बल्ब एंड स्टेम ट्यूबर्स। चार इसकी मेन टाइप्स हैं, राइजोम, कॉम एंड बल्ब एंड स्टेम ट्यूबर्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा अंडरग्राउंड स्टेम की एग्जांपल्स में से कुछ अनियन, जैसे कि अनियन आप लोग देखते हैं, इसके अलावा गार्लिक, वाटर चेस्टनट, इसमें मुख्तलिफ तरह की आपके पास एग्जांपल्स हैं। इसको हम डिटेल में आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास राइजोम। राइजोम द एलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल थिक एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। एक तो ये एलोंगेटेड होती है और हॉरिजॉन्टली जो अरेंज होगी, ठीक है, ज़मीन के साथ साथ जो होगी, और इसके अलावा थिक है, फ्लैशी है, अंडरग्राउंड स्टेम है, और इसे हम क्या कहते हैं, राइजोम। इसके अंदर डिस्टिंक्ट नोड और इंटर नोड्स पाए जाते हैं, दैट इज़ द मेन करेक्टर ऑफ स्टेम। ठीक है, स्टेम की जब हमने डेफिनेशन की थी तब भी हमने ये करेक्टर डिस्कस किया था कि कोई भी स्टेम है उसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स मौजूद होते हैं। नोड वो पार्ट है जहाँ से लीव्स अराइज करते हैं, और एक नोड से दूसरे नोड का जो फासला होता है उसे आप क्या कहते हैं, इंटर नोड। ठीक है, इट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड स्टोर होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास जिंजर की। ठीक है, जिंजर जैसे कि आपको यहाँ पर इसकी डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टली जो है ग्रो करता है, इसके अंदर बहुत जो है ब्रांचेस होती हैं इसकी, ये मेन एक्सिस है इसका स्टेम का, और इस यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, तो इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, इररेगुलर शेप का होता है जिंजर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको ब्राउन कलर की जो आपको लाइनिंग नज़र आ रही है, डार्क ब्राउन, उसे आप क्या कहते हैं, नोड, और उसके दरमियान का जो फासला है लाइट ब्राउन जो कलर आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ इंटर नोड, और इसके नीचे से एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर रही हैं। अब हमने इसे एडवेंटिशियस रूट्स क्यों कहा है, क्योंकि आपने दो तरह की रूट्स पढ़ी थी, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। हमने एडवेंटिशियस रूट को कहा था कि ऐसी रूट जो अदर देन रेडिकल से ग्रो करे उसे आप क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। तो ये बेसिकली स्टेम से ग्रो कर रही है, रेडिकल इसके अंदर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एडवेंटिशियस रूट्स है। ठीक है, इसके अलावा बर्ड्स इसके अंदर मौजूद होती हैं जहाँ से नया प्लांट ग्रो कर सकता है। स्केली लीव्स मौजूद होते हैं नोड्स के ऊपर, जो है वो स्केली लीव्स राइज करते हैं छोटे छोटे, और इंटर नोड्स और नोड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, राइजोम। ठीक है, अब राइजोम और रूट, आपको जो ये नज़र आ रहा है ना, ये राइजोम, ये जस्ट लाइक अ रूट आपको नज़र आ रहा होगा, है तो ये बेसिकली स्टेम, लेकिन आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, कभी कभी रूट के साथ ये मिक्स हो जाता है। तो राइजोम और रूट में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि राइजोम और रूट को कन्फ्यूज लफ्ज़ों में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो राइजोम वो चीज़ है जो कि स्टेम है बेसिकली, उसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं, जैसे हमने जिंजर में देखा कि इसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स वाजिया आपको नज़र आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो रूट होती है उसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स एब्सेंट होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो रूट होती है उसके अंदर टर्मिनल बड हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, हम लोगों ने रूट कैप पढ़ी थी। रूट के अंदर हमने कहा था रूट कैप मौजूद होती है, जबकि स्टेम के अंदर रूट कैप नहीं मौजूद होगी। क्या मौजूद होगी इसके अंदर? टर्मिनल बड मौजूद होगी, जैसे कि आपको बड यहाँ पर भी नज़र आ रही होगी। तो स्टेम के अंदर बड्स मौजूद होती हैं, जबकि रूट्स के अंदर रूट कैप मौजूद होती है। इसके अलावा इसके अंदर स्केली लीव्स भी अराइज करते हैं स्टेम के अंदर, जबकि स्केली लीव्स रूट के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चंद एक डिफरेंसेस हैं आप लोगों ने याद रखने हैं कि राइजोम और रूट के अंदर क्या डिफरेंस है। राइजोम रूट नहीं है, राइजोम बल्कि एक स्टेम है जिसके अंदर प्रॉपर नोड्स और इंटर नोड्स मौजूद होते हैं और उनके अंदर स्केल लीव्स भी पाए जाते हैं, टर्मिनल बड मौजूद होती है, जबकि रूट के अंदर रूट कैप पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम इसकी जो है मज़ीद टाइप्स देखें राइजोम की, टाइप्स ऑफ राइजोम हमारे पास दो बेसिकली दो टाइप्स हैं, दैट इज स्ट्रैगलिंग राइजोम एंड सोबोल राइजोम। स्ट्रैगलिंग राइजोम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या कहते हैं हम, लेस ब्रांच राइजोम विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली। ठीक है कि लेस ब्रांच होता है, इसमें ज़्यादा ब्रांचेज नहीं पाई जाती, इसको हम क्या कहते हैं स्ट्रैगलिंग राइजोम। है दोनों ही हॉरिजॉन्टल, स्ट्रैगलिंग राइजोम भी हॉरिजॉन्टल है और सोबोल राइजोम भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो स्ट्रैगलिंग होता है इसके अंदर ज़्यादा ब्रांचेज नहीं पाई जाती और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर ग्रासेस। जबकि सोबोल राइजोम क्या, हमने कहा कि ये भी तो हॉरिजॉन्टली ही ग्रो करता है लेकिन इसके अंदर ब्रांचेज मौजूद होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा ब्रांचेज इसके अंदर पाई जाती हैं। अब इस ब्रांचेज के बेस पर हमने इसको मजीद दो सब टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ मोनोपोडियल राइजोम एंड सिमपोडियल राइजोम। ठीक है, मोनोपोडियल मतलब मोनो मीन वन और सिम मीन मैनी। तो इसमें क्या होता है, मोनोपोडियल में एक हमारे पास जो है वो ब्रांच मेन होती है और उसको उसी ब्रांच से मेन एक्सिस जो होता है उससे नई ब्रांचेज नहीं निकल रही होती बल्कि अलग से ब्रांचेज निकल रही होती हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये इसकी मेन ब्रांच है जबकि यहाँ से ये अलग से ग्रो कर रही है ब्रांचेस। ठीक है, राइजोम और ये ऊपर जो ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं वो अलग से हैं, इससे अराइज नहीं हो रही। ठीक है, और ये जो सिमपोडियल राइजोम होता है ये जो है इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि मेन ब्रांच से ग्रो कर रही होती हैं। ये मेन एक्सिस है जिंजर का जिससे बहुत सारी ब्रांचेज इधर भी ग्रो कर रही हैं, इधर भी और इधर भी, इस तरह से मेन एक्सिस से बहुत सारी ब्रांचेज आपको निकलती हुई नज़र आएंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर वेरियस ब्रांचेस पाई जाती हैं और एक मेन एक्सिस होता है, जबकि इसके अंदर ब्रांच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मेन एक्सिस। ठीक है, जो मोनोपोडियल राइजोम होता है इसके अंदर मेन एक्सिस के अंदर ब्रांचेस नहीं पाई जाती बल्कि ब्रांचेस इटसेल्फ ग्रो करती हैं अलग से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास वुड सॉरल्स की एग्जाम्पल है और इसमें हमारे पास जिंजर की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने कहा कि स्ट्रैगलिंग और सोबोल राइजोम दोनों ही हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं लेकिन इसके अंदर लेस ब्रांचेस मौजूद होती हैं जबकि सोबोल राइजोम के अंदर ज़्यादा ब्रांचेस पाई जाती हैं। अगर राइजोम अगर वो ब्रांचेस जो है वो मोनोपोडियल होगा इन केस व्हेन देयर इज़ ओनली वन एक्सिस, मेन एक्सिस एक ही होगा और ब्रांचेस अलग से ग्रो कर रही होंगी, जबकि सिमपोडियल राइजोम में मेन एक्सिस से ही ब्रांचेस निकल रही होंगी, तो उसे आप क्या कहेंगे, सिमपोडियल राइजोम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो थी हमारे पास राइजोम की टाइप्स। नेक्स्ट अगर हम कॉम को, जो हमारे पास सेकेंड टाइप है अंडरग्राउंड स्टेम की, तो कॉम को देखें, द थिक सॉलिड राउंडेड, थिक होता है सॉलिड है राउंडेड है कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम विद फ्यू इंटरनोड्स इज कॉल्ड कॉम। ठीक है कि इसके अंदर कुछ इंटरनोड्स मौजूद होते हैं, ज़्यादा नहीं पाए जाते, जितने नोड्स होंगे उससे उसी के लिहाज से इंटरनोड्स होंगे। ठीक है, तो इंटरनोड्स मौजूद होते हैं कवर्ड विद लूज शीथनिंग स्केल लीव्स, स्केली लीव्स मौजूद होते हैं, वन और मोर बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ ईच स्केल लीव, जहाँ पर स्केल लीव होगा उसके ही एक्सिल पर एक से ज़्यादा जो है वो बड ग्रो करेंगे और उसी बड से जो है नया कॉम प्लांट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो न्यू कॉम जो होगा वो उसी ओल्ड कॉम के ऊपर लाए करेगा, जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा डायग्राम में, ये ओल्ड कॉम है और ये न्यू कॉम है, मतलब ये पुराना है और ये नया है, ये इसी के ऊपर ग्रो कर रहा है क्योंकि इसने इस बड से ग्रो करना था इसीलिए ये इसके ऊपर ही ग्रो कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो है हमारे पास सॉलिड राउंडेड कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसके अंदर अगर बड ग्रो करती है तो उसी बड से एक नया डॉटर कॉम हमारे पास बनता है जो पुराने के साथ ही अटैच रहता है। तो इस तरह से एक से ज़्यादा जनरेशन, थ्री जनरेशन तक जो है वो कॉम एक दूसरे से अटैचमेंट के साथ रह सकता है। इसमें क्या होता है कि जो इसका एरियल पोर्शन होता है इस स्टेम का, जो कि अबव द ग्राउंड है, अगर वो किसी अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से वो क्या करता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डाई हो जाता है जो एरियल पोर्शन है, लेकिन जो कॉम है वो सर्वाइव करता है अनफेवरेबल कंडीशन में भी, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये इस कॉम से नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको अंडरग्राउंड स्टेम नज़र आ रही होगी, इसमें नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, नोड्स के दरमियान, दो नोड्स के दरमियान जो फासला होगा उसे आप क्या कहेंगे, इंटर नोड,
और ये भी एडवेंटिशियस रूट्स पाई जा रही हैं इसके अंदर. एडवेंटिशियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्टेम से ग्रो कर रही है, इसीलिए ये एडवेंटिशियस रूट है. ये डॉटर कॉम है, ये ओल्ड कॉम है, और ये सॉइल की सर्फेस मतलब अंडर द ग्राउंड ये पाया जा रहा है. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास कोलोकेशिया, जिसे आप कचालू भी कहते हैं. तो ये हमारे पास थी कॉम. नेक्स्ट अगर हम टाइप देखें, दैट इज़ अबाउट द बल्ब. ठीक है, बल्ब हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम की थर्ड टाइप है. अ स्पेशलाइज्ड मच रिड्यूस्ड शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम. ठीक है, स्पेशलाइज्ड होती है, बहुत रिड्यूस्ड इन साइज हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट सी हो जाती है. अंडरग्राउंड स्टेम कंपोज्ड ऑफ ब्रॉडली कॉनिकल डिस्क. ये सिर्फ इस डिस्क की सूरत में, इतनी सी डिस्क की सूरत में पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, बल्ब. तो इसमें क्या होता है, हमने जितनी भी अंडरग्राउंड स्टेम की टाइप्स देखनी है, जिसके अंदर आपने कॉम को देखा, जिसके अंदर आपने राइजोम पढ़ा, अब हम बल्ब पढ़ें, और इसके अलावा एक और टाइप है स्टेम ट्यूबर्स. इन तीन को छोड़कर ये जो बल्ब है ये स्टोर फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करती. बाकी जो तीन जो है हमारे पास कॉम, राइजोम और स्टेम ट्यूबर, वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जबकि बल्ब के अंदर, बल्ब की जो स्पेशलाइज स्टेम है वो फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करती, बल्कि लीव स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को. इसको हम देखते हैं इसमें क्या केस है, क्योंकि इसकी जो स्टेम है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है साइज़ में. लार्ज फ्लैशी लीव्स आर बोर्न ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द बल्ब. ठीक है, बल्ब के ऊपर मतलब जो इसकी स्टेम है उसके ऊपर लार्ज फ्लैशी लीव्स ग्रो करेंगे. फ्लैशी लीव मतलब नॉर्मल जो लीव्स हैं हमारे पास ग्रीन इन कलर जो होते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लैशी लीव्स. ठीक है, और ये जो है फूड मटीरियल को स्टोर करेंगे. मे बी स्मॉल स्केल लीव लाइक अनियन. ठीक है, कि इसमें स्केली लीव जो कि फूड मटीरियल को स्टोर करेंगे. आपको अनियन के अंदर जो उसका मेन पार्ट नज़र आता है वो हमारे पास है स्केल लीव, जिसे हम कहते हैं कि स्केली लीव्स ऑफ अनियन. और इसमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं बल्ब की, एक ट्यूनिकेटेड बल्ब और एक नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब. लेकिन इससे पहले आप लोगों ने इसको डिटेल में देख लेना है कि बल्ब एक ऐसी स्टेम है जिसके अंदर स्टेम जो है बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है साइज़ में, और वो फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करती, बल्कि कौन से लीव स्टोर करते हैं, स्केली लीव्स फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जो कि फ्लैशी होते हैं, मतलब उनके अंदर फूड मटेरियल पाया जाता है जिसको ह्यूमन अपने नीड के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ट्यूनिकेटेड और नॉन ट्यूनिकेटेड. अब ट्यूनिका किसे कहते हैं, मतलब कोई ना कोई कवरिंग. ठीक है, कि कवरिंग जो कि प्रोटेक्ट करे किसी भी इंजरी से, किसी भी डेसिकेशन से प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका. तो ट्यूनिकेटेड बल्ब ऐसा बल्ब जिसके अंदर ट्यूनिका मतलब कवरिंग मौजूद होगी, उसे आप क्या कहेंगे, ट्यूनिकेटेड बल्ब. और ऐसे बल्ब जिसके अंदर ट्यूनिका एब्सेंट होगा, मतलब कवरिंग एब्सेंट होगी, उसे आप क्या कहेंगे, नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा इनके अंदर ये जो हमारे पास बल्ब की डिस्क है, इसके अंदर कुछ एपिकल बर्ड्स और एक्सिलरी बर्ड्स मौजूद होते हैं. एपिकल बर्ड मतलब जो सेंटर में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिकल बर्ड. और वहाँ से जो है नया प्लांट्स ग्रो करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास बल्ब की जो है, इसकी दो टाइप्स हमने आगे देखनी है. सबसे पहली टाइप है हमारे पास ट्यूनिकेटेड बल्ब. ट्यूनिकेटेड बल्ब मतलब ऐसा बल्ब, ऐसी टाइप बल्ब की जिसके अंदर ट्यूनिका मौजूद होगा, कवरिंग मौजूद होगी, उसे आप क्या कहेंगे, ट्यूनिकेटेड बल्ब. जैसे आप लोग प्याज में, अनियन में देखते हैं कि उसके अंदर आउटर एक कवरिंग होती है जो कि ड्राई होती है, उसके अंदर फूड मटेरियल नहीं होता, बल्कि हम उसको उतार देते हैं और अंदर से उसके अंदर जो स्केल होते हैं उसको हम अपने पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं. तो उसके अंदर जो आउटर कवरिंग है उसको आप क्या कहेंगे, ट्यूनिका कहेंगे. और वो बल्ब जिसके अंदर ट्यूनिका मौजूद होगा उसे आप क्या कहेंगे, ट्यूनिकेटेड बल्ब. द बल्ब इन विच द लीव्स सराउंड्स ईच अदर इज़ कॉल्ड ट्यूनिकेटेड बल्ब. कि इसके अंदर जो लीव्स हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द ओवरलैप हुए होंगे, सराउंड किए होंगे कंसेंट्रिक रिंग्स की सूरत में, उसे आप क्या कहेंगे, ट्यूनिकेटेड बल्ब. और इसके अंदर जो फोलिएज लीव्स होते हैं वो बेसिकली फ्लैशी बन जाते हैं. फोलिएज लीव्स मीन जो नॉर्मल लीव्स होते हैं हमारे पास ग्रीन इन कलर प्लांट के, वही फोलिएज लीव्स क्या बन जाते हैं, वो स्केली लीव्स बन जाते हैं या फिर फ्लैशी बन जाते हैं, जिनके अंदर फूड मटीरियल स्टोर हो जाता है. जैसे कि लिखा हुआ है, इन दीज बल्ब द बेसिस ऑफ फोलिएज लीव्स स्टोर फूड. बेसिस मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है फोलिएज लीव्स का, वो क्या करेगा, फूड मटीरियल को स्टोर करेगा और क्या बन जाएगा, फ्लैशी बन जाएगा. न्यू लीव्स आर फॉर्म्ड ऑन द ओल्डर लीव्स. ठीक है, इसमें हमने कहा कि बल्ब जो हैं वो उसके अंदर फोलिएज लीव्स की जो बेसिस हैं, मतलब उनका जो लोअर पोर्शन होता है लीव्स का, वो फ्लैशी बन जाता है, उनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है. न्यू लीव्स आर फॉर्म्ड ऑन द ओल्डर लीव्स, के एक लीव जो था उसी के ऊपर जो है वो नए लीव्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. इस तरह से अगर एक लीव है तो उसी के ऊपर जो है वो इस तरह से नए लीव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. तो इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स बनती जाएंगी. लोअर पोर्शन ऑफ द लीव स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, के जो लोअर पोर्शन या बेसल पोर्शन होता है लीव्स का, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड को स्टोर करेगा, जबकि जो अपर पोर्शन, जो अबव द ग्राउंड जो है वो पोर्शन होगा लीफ का, जैसे ये अगर ये इसको हम कंसिडर कर लेंगे, ये अनियन है, तो अनियन ये है जो हमारे पास सरफेस ऑफ द ग्राउंड,
ठीक है, ये अंडरग्राउंड पाई जाती है स्टेम, तो इसके ऊपर भी जो है वो लीव्स ग्रो कर रहे होते हैं ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अबव द ग्राउंड, ठीक है, तो ये हमारे पास जो अबव द ग्राउंड लीव्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे कि ये इनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता, क्योंकि ये ग्रीन इन कलर होते हैं, इन्होंने फोटोसेंसिस करनी होती है और ये ड्राई हो जाते हैं, ये फ्लैशी नहीं होते, जबकि जो लोअर पोर्शन या बेसल पोर्शन होता है लीव का वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी बल्ब हो गई, मतलब ये हमारे पास छोटी सी कॉनिकल डिस्क की सूरत में हमारे पास इसकी स्टेम हो गई। स्टेम से एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेंगी नीचे और ये उसके ऊपर उसके स्केली लीव्स, ठीक है, यहाँ पर एक लीफ निकलेगा, उसी के ऊपर जो है कंसेंट्रिक रिंग्स की सूरत में, लीव्स की सूरत में हमारे पास अनियन जैसे आपको नज़र आता है उस तरह से बनेंगे। इसको हम देखते हैं डिटेल में, आपको डायग्राम से क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये है हमारे पास अनियन की आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी कि ये वाला जो इसका पोर्शन होता है इतना, ये अंडर द ग्राउंड पाया जाता है। अब ये हम लोगों ने बाहर निकाल कर देखा हुआ है तो ये इतना जो पोर्शन है ये अंडर द ग्राउंड पाया जाता है, जबकि ये आपको जो ग्रीन इन कलर के लीव्स नज़र आ रहे हैं ये अबव द ग्राउंड मौजूद होता है। तो इसका मतलब है ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, लेकिन ये वाले जो लीफ हैं ये स्केली लीव्स होते हैं। स्केली लीव्स मतलब वो लीव्स जो कि फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करते हैं। पहले ये भी फोलिएज थे, मतलब ग्रीन इन कलर थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने फूड मटेरियल स्टोर करना शुरू किया तो अब हम इन्हें क्या कहेंगे, ये स्केली लीव्स बन गए हैं। ऊपर जो अबव द ग्राउंड ग्रो करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये जो अबव द ग्राउंड ग्रो करेंगे लीव्स उनको हम क्या कहेंगे, ये ड्राई हो गए हैं, ये फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करेंगे, ये फोलिएज लीव है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एनाटॉमी नज़र आ रही होगी, ये हमारे पास क्या है, बल्ब है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अनियन अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें आपको स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है उसके बेसल पोर्शन में, जो कि हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो हम इसको जो है फूड मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसको हम वेस्ट कर देते हैं। हम जो फूड मटेरियल यूज़ करते हैं अनियन का, वो इसका ये वाला पोर्शन है, स्वोलन पोर्शन है। तो ये जो डिस्क लाइक स्टेम है तो इसका मतलब इसके अंदर फूड नहीं है, तभी हम इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, और ये बहुत सारे कंस्ट्रिक्टेड रिंग की सूरत में मौजूद होती है और इसके नीचे से आपको एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये स्टेम से ग्रो कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो आउटर पोर्शन, आउटर ड्राई पोर्शन है लीव का, जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, उसका जो छिलका होता है, कवरिंग होती है, उसको आप उतार देते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, ट्यूनिक, ठीक है। और ये बेस ऑफ एस्केप, मतलब ये वो पोर्शन है जो कि अबव द ग्राउंड ग्रो करता है अनियन का। इसके अलावा जब हम इसको कट करते हैं तो हमें अंदर से इसके फ्लैशी और स्केली लीव्स जो हैं वो इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स में अरेंज हुए नज़र आते हैं, और इसके सेंटर में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिकल बर्ड, ठीक है। एपिकल बर्ड मतलब जिससे, जिसने सबसे पहले ग्रो किया और उससे ही जो है मज़ीद ब्रांचेस ग्रो की, उसको हम क्या कहेंगे, स्केली लीव्स। और ये डिस्क है जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्टेम है, और वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर रही हैं। पहली जो जो है हमारे पास लीव निकलता है वो एपिकल बर्ड से निकलता है, उसके बाद हमारे पास एक्सिलरी बर्ड्स निकलती हैं जहाँ से मज़ीद जो है वो रिंग्स निकलना या स्केल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था हमारे पास अनियन का बल्ब। अनियन बल्ब जो है वो हमारे पास सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है। सिंपल ट्यूनिकेटेड मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ट्यूनिका, मतलब एक कवरिंग मौजूद होती है। जैसे आप ट्यूनिका, जैसे आप अनियन देखते हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक ट्यूनिक या कवरिंग नज़र आती है, जबकि आप जो आपके पास गार्लिक होता है उसको आप देखें तो एक आउटर कवरिंग होती है जिसको आप ख़त्म करते हैं, फिर उसके अंदर जैसे जो आप क्लव्स निकालते हैं, जो हमारे पास गार्लिक के क्लव्स होते हैं उसके ऊपर भी छिलका होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी ट्यूनिक होती है जिसको आप उतारते हैं और उसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है और उसको आप अपने पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पर आपको ये जो है गार्लिक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये वाले जो हैं आपको फोलिएज लीव्स नज़र आ रहे हैं, ये जो आउटर कवरिंग है इसको आप कह रहे हैं ट्यूनिक, जबकि इसके जो आपको ये वाले नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर भी क्लव्स जो होते हैं इसके ऊपर भी एक कवरिंग मौजूद होती है, तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा कवरिंग मौजूद है, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कंपाउंड ट्यूनिक। इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल ट्यूनिक, और इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड ट्यूनिक। है दोनों ही बल्ब और ट्यूनिकेटेड बल्ब है, मतलब इनके अंदर ट्यूनिका मौजूद है, लेकिन इसमें एक कवरिंग है, इसमें एक से ज़्यादा कवरिंग है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, कंपाउंड ट्यूनिक। और इसमें स्केली लीव्स जो है, जो क्लव्स जिसे हम कहते हैं, वो लेटरल जो है वो लेटरली अरेंज हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्पायरली अरेंज हुए होते हैं। ये तो था हमारे पास बल्ब। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट कैटेगरी स्केली, जो हमारे पास इसकी टाइप है स्केली और इम्ब्रिकेट बल्ब,
ठीक है, स्केली और इम्ब्रिकेट बल्ब, मतलब ऐसा बल्ब जिसके अंदर, जिसे हम नॉन ट्यूनिकेटेड भी कह सकते हैं, मतलब जिसके ऊपर ट्यूनिक की कवरिंग मौजूद नहीं होगी। द बल्ब इन विच द लीव्स ओवरलैप ईच अदर एट द मार्जिन्स इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट लीव्स। ठीक है, कि इसके अंदर जो लीव्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और उसके ऊपर कोई कवरिंग या ट्यूनिका मौजूद नहीं होता। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको स्केली लीव्स जो हैं वो अपर आपको डिस्टिंक्ट नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, तो इसीलिए आप इसे कहते हैं नॉन ट्यूनिकेटेड। डिस्क बियर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, इसके अंदर दो तरह के लीव्स होते हैं, फोलिएज लीव्स एंड स्केली लीव्स। फोलिएज लीव वो लीव्स जो कि फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करते और स्केली लीव्स फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। एन एपिकल बड इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द डिस्क। एपिकल बड, जैसे हमने अनियन और गार्लिक में भी देखी थी कि जो सेंटर में ग्रो करती है उसे हम एपिकल बड कहते हैं, और उसी एपिकल से एक से ज़्यादा हमारे पास एक्सिलरी बड्स ग्रो करती हैं और वहाँ से हमारे पास स्केली लीव्स ग्रो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है लिली प्लांट की, लिलियम जेनरा जो हमारे पास होता है उसका जो उसकी जो स्टेम है या लीव्स हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्केली और इम्ब्रिकेट बल्ब्स। तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि बल्ब जो है वो स्टेम की टाइप है, लेकिन ये फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करती बल्कि इसके लीव्स फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास स्टेम ट्यूबर्स की। स्टेम ट्यूबर्स, इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल है पोटैटो की, इसको हम लोगों ने देखना है। द स्वोलन अंडरग्राउंड टिप्स ऑफ द ब्रांचेस, ठीक है, कि अंडरग्राउंड टिप्स होती हैं ब्रांचेस की ऑफ वर्टिकल एक्सिस विच स्टोर फूड एंड यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कि एक तो ये, इसके दो पर्पज़ हो गए, इसमें हम दो तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं ट्यूबर्स को। एक तो ये कि ये फूड मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं, मतलब हम इसको खाने के पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर ले करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं, और सेकंड इसके लिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसके ऊपर बर्ड्स या फिर आइज मौजूद होती हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास पोटैटो प्लांट की। इन पोटैटो प्लांट सेवरल सिलेंडर एक्सिलरी ब्रांचेज अराइजेस फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम। ठीक है, कि बहुत सारी ब्रांचेज हमारे पास अराइज करती हैं। दीज ब्रांचेज बियर्स फोलिएज लीव्स दैट प्रिपेयर फूड, के इसके ऊपर फोलिएज लीव्स होते हैं जो कि फूड को प्रिपेयर करते हैं। पोटैटो ट्यूबर कंसिस्ट ऑफ सेवरल नोड्स एंड इंटरनोड्स, देयर आर ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ ईच स्केल लीव दैट आर कॉल्ड आइज। जैसे इसके ऊपर आइज भी मौजूद होती हैं जो कि डिप्रेशन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स भी मौजूद होते हैं, फोलिएज लीव होते हैं जो कि फूड बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो आइस मौजूद होती हैं ये बेसिकली डिप्रेशन होते हैं जो कि नोड्स के ऊपर पाए जाते हैं। स्केली लीव्स जहाँ से ग्रो करते हैं वहीं पर पाए जाते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं। आपको पता है जो प्लांट होता है पोटैटो का वो बेसिकली ऑटम में, खजाम में उसकी जो है वो लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और जैसे ही इसके अंदर जो ट्यूबर्स हैं जिसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है वो हो जाते हैं डिटैच, मतलब जो मेन प्लांट की बॉडी होती है उससे वो डिटैच हो जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे, और अगर उनको कोई फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वो ज़्यादा टाइम के लिए वहीं पर पड़े रहते हैं, तो वो क्या होगा, उनके ऊपर बर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी और बर्ड्स से हमारे पास एक नया प्लांट, अगले सीजन में एक नया प्लांट हमारे पास ग्रो कर जाएगा उसी ट्यूबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी हम जो है डायग्राम से इसको डिटेल में देखते हैं। यह आपको पोटैटो की डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी, इसमें आपको है ये मेन प्लांट नज़र आ रहा है जिसके ऊपर जो है लीव्स ग्रो कर रहे हैं। ये लीव्स जो है फोलिएज लीव्स हैं जो कि फूड मटेरियल को बनाने का काम करते हैं और वो फूड मटेरियल टिप्स में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली ये स्टेम है, ये सारी की सारी स्टेम है, और ये वाली जो है स्टेम की टिप है। ठीक है, जहाँ पर पोटैटो ग्रो कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, टिप ऑफ द स्टेम, जो कि स्वेल हो जाती है, ग्रो कर जाती है और ट्यूबर बना देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेम ट्यूबर। अब इस ट्यूबर के ऊपर जो है आपको स्कार्स नज़र आते हैं, कुछ जो है वो स्कार्स नज़र आ रहे हैं जिसे आप क्या कहते हैं, स्केली लीव्स। ठीक है, वही स्केली लीव्स जो है स्पायरली अरेंज होते हैं और उसे आप क्या कहते हैं, आइज। अगर ये आइज जो है इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, मतलब आलू को अगर कुछ अरसे के लिए पड़ा रहने दें सेम कंडीशन में, तो वहाँ पर बर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बर्ड्स बनना स्टार्ट होंगी और बर्ड्स से जो है वो स्टेम निकलेगी, एक नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे कि आप इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके दो फायदे हो गए कि एक तो इसने फूड मटेरियल को स्टोर किया और एज अ फूड इसको हम यूज़ करते हैं, और सेकेंड इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास टाइप थी अंडरग्राउंड स्टेम की, जिसमें हमने राइजोम को देखा। राइजोम जो कि जस्ट लाइक अ रूट होता है, लेकिन रूट और राइजोम के अंदर डिफरेंसेस हमने चेक किए, और उसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है, जिसकी हमने बेस्ट एग्जांपल देखी जिंजर की। फिर उसके बाद हमने कॉम को डिस्कस किया, कॉम को भी हमने कहा कि उसके अंदर भी फूड मटेरियल स्टोर होता है, नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं जैसे कि कोलोकेशिया। उसके बाद हम लोगों ने एग्जांपल देखी, टाइप देखी हम लोगों ने बल्ब की, जिसमें हमने कहा कि बल्ब के अंदर जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड इन साइज़ होती है, मतलब साइज़ में बहुत कम होती है, और जस्ट लाइक अ डिस्क मौजूद होती है, उसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर
नहीं हो सकता, बल्कि उसके लीव्स के अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है। इसके बाद हम लोगों ने स्टेम ट्यूबर देखा, जिसकी एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस की पोटैटो की। पोटैटो के अंदर जो है फूड मटेरियल स्टोर होता है। तो आप लोगों ने इसके अंदर डिफरेंसेस याद रखने हैं कि एक स्टेम ऐसी है जिसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता, वो कौन सी है हमारे पास, वो है हमारे पास बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें या फंक्शंस देखें स्टेम के, फंक्शंस ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये हम लोगों ने जब हम लोगों ने इसका डिटेल में स्ट्रक्चर देखा था तो हम लोगों ने साथ साथ फंक्शनिंग भी डिस्कस की थी, उसी को हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। द अंडरग्राउंड स्टेम इज यूज एज पेरिनेशन। ठीक है, कि अंडरग्राउंड स्टेम को जो है प्लांट्स पेरिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पेरिनेशन क्या होती है? पेरिनेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके दौरान अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान जो है वो स्टेम सर्वाइव करती है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं उसको वो दोबारा से नया प्लांट ग्रो कर देती हैं और दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देती हैं। तो इसको हम बेसिकली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि पासिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ, क्योंकि हमने पास करना है अनफेवरेबल कंडीशंस को ग्रोथ के लिए। और इसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस की थी क्लोकेशिया में मैंने कहा था कि उसके अंदर बर्ड्स मौजूद होती हैं और वो बर्ड्स एक दूसरे के साथ अटैच होती रहती हैं, लेकिन जो इसका एरियल पोर्शन होता है क्लोकेशिया का, जिसे हमने कॉम कहा था, ठीक है, कॉम का जो एरियल पोर्शन मतलब जो अबव द ग्राउंड पोर्शन होता है, वो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी वो डाई कर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो अंडर द ग्राउंड पड़ा है, उसका स्टेम जो पड़ा है, वो ग्रो नहीं करेगा, बल्कि वो जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, अपनी फंक्शनिंग को ख़त्म कर देगा। लेकिन जैसे ही उसकी जो है नॉर्मल कंडीशंस आएंगी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस नॉर्मल होंगी, वो दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब है अनफेवरेबल कंडीशंस को भी स्टेम जो है वो पास आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास देयर आर द मीन्स ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे कि पोटैटो। ठीक है, पोटैटो को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर फूड, ठीक है, कि इनके अंदर बहुत अमाउंट में स्टोर फूड होता है एक्सेप्ट बल्ब। ठीक है, बल्ब की जो स्टेम है उसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता, उसको लीव स्टोर करते हैं। बेटा, ये बात बार बार मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है कि बल्ब की जो स्टेम है उसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता, बल्कि उसके लीव्स के अंदर स्टोर होता है, जबकि बाकी कॉम जो हमारे पास स्टेम ट्यूबर्स हैं या फिर राइजोम हैं उनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखें तो दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, कि ये स्टार्च की सूरत में लार्ज अमाउंट में फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जिनको हम ह्यूमन बींग्स भी यूटिलाइज करते हैं। और जैसे कि आप लोग पोटैटो यूज़ करते हैं, पोटैटो क्या होता है, उसके अंदर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है। और स्टार्च क्या होती है, हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, जो कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट है, बेसिकली एनर्जी का सोर्स है। सम आर यूज एज मेडिसिनल प्लांट्स, कुछ को हम मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पर ही जो है स्टेम को यूज़ करते हैं, जैसे कि गार्लिक वगैरह की जो स्टेम है उसको बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मली मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा है राइजोम कॉज सीरियस प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। ठीक है, कि अगर हम इसका जो है साइड इफ़ेक्ट देखें, राइजोम्स जो हैं वो सीरियस प्रॉब्लम्स करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। सम वीड्स डिवेलप अंडरग्राउंड राइजोम, कुछ वीड्स जो हैं वो अंडरग्राउंड राइजोम बना देती हैं। ठीक है, और जैसे ही प्लफिंग की जाती है फील्ड की, तो वो जो राइजोम होता है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा होता है अर्थ के साथ साथ, लैंड के साथ साथ, जो है हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, वो क्या करता है, जैसे ही प्लफिंग होती है ज़मीन की, वो पीसीज में कट हो जाता है। वो पीसीज में कट हो जाएगा तो हर पीस एक नया राइजोम बना देगा, जो इसकी वजह से उसको कंट्रोल करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक राइजोम से बहुत ज़्यादा राइजोम हमारे पास ग्रो कर जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट था। बाकी इसको हम जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास इसके, कि हम इसको फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेम्स। ये कुछ स्टेम्स ऐसी भी हैं कि जिसको जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टेम की, कि स्टेम ऐसा पार्ट है जो कि जो अबव द ग्राउंड मौजूद होता है, उसके ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स मौजूद होते हैं, उसके ऊपर शूट होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी पाई जाती हैं स्टेम में, जो कि फंक्शनली वो डिफरेंट होती हैं, जो बेसिक स्टेम का फंक्शन है उससे डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम उसको स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेम का नाम देते हैं। सम स्टेम्स आर हाईली मॉडिफाइड, बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, दे इवन डोंट लुक लाइक अ स्टेम, कि वो स्टेम की तरह दिखती भी नहीं है। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि स्टेम टेंड्रिल्स। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल का जो है वो मुख्तलिफ काम है हमारे पास, कि स्टेम टेंड्रिल्स आपको पता है टेंड्रिल हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल्स की जो स्टेम होती है वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाती है, जिसको हमने वीक प्लांट प्रीवियस लेक्चर में जब हमने वीक प्लांट्स को देखा था,
तो हम लोगों ने क्लाइंबिंग प्लांट को भी डिस्कस किया था, और हम लोगों ने कहा था कुछ क्लाइंबिंग प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर टेंड्रिल्स बन जाते हैं ताकि वो किसी न किसी स्पोर्ट के साथ अटैच हो सकें, जैसे कि ये स्पोर्ट थी हमारे पास और टेंड्रिल उसके अंदर ग्रो कर रहा था, और ये टेंड्रिल बेसिकली स्टेम की ही मॉडिफिकेशन थी, स्टेम से ही निकल रही थी, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम टेंड्रिल। ये बेसिकली वाइन प्लांट में जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, और सेंसिटिव टू कंटेक्ट होता है, जैसे ही किसी न किसी चीज़ के साथ कंटेक्ट में आएगा तो उसके साथ जाकर ये क्लाइंब करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट के साथ अटैच होने के लिए या वीक प्लांट्स में ये यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और मॉडिफिकेशन है स्टेम की, दैट इज़ फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड, ठीक है। फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड में क्या होता है कि ये स्टेम मॉडिफाई हो जाती है लीफ में, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये लीफ है, जबकि वो होती क्या है, स्टेम होती है, लीफ नहीं होती। और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, किन प्लांट के अंदर ये पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट जिनको वाटर की डेसिकेशन या वाटर की कमी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कैक्टस वगैरह को, उनके अंदर ये जो उनकी स्टेम होती है वो लीफ में मॉडिफाई हो जाती है, क्योंकि उनके जो लीफ हैं वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ताकि उनका जो ट्रांसपायरेशन है, लीव्स का काम क्या होता है आपको पता है, लीव का काम है कि उसने ट्रांसपायरेशन करनी है थ्रू स्टोमेटा। जब लीफ ही नहीं होंगे तो इसका मतलब है ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगी, तो इसका मतलब है पानी की कमी नहीं होगी प्लांट में। तो ऐसे प्लांट जो कि जो है वो ऐसे रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जैसे कि डेजर्ट एरियाज़ में, तो उनको क्या करना होता है, उन्होंने अपने अंदर वाटर को रिटेन करना होता है, स्टोर करना होता है ताकि पानी की कमी ना हो। तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं, इसी वजह से वो अपने जो लीफ हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो उनकी जो स्टेम होती है वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, लीफ में, वो बिल्कुल जो है फ्लैट हो जाती है, फ्लैट ग्रीन कलर का उसकी जो है वो स्टेम बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड या फिर क्लेडोड। फाइलोक्लेड और क्लेडोड का डिफरेंस क्या है कि ऐसी स्टेम जिसके अंदर जो है इंटरनोड एक से ज़्यादा मौजूद होंगे उसे आप क्या कहेंगे, फाइलोक्लेड, जबकि क्लेडोड क्या होती है, उसके अंदर सिर्फ एक इंटरनोड मौजूद होती है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ एक इंटरनोड है तो आप इसे क्या कहेंगे, क्लेडोड, जबकि ऐसी स्टेम जिसके अंदर एक से ज़्यादा इंटरनोड मौजूद होंगे, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर आपको तीन इंटरनोड नज़र आ रहे होंगे क्योंकि तीन नोड्स हैं तो तीन ही इंटरनोड्स होंगे, तो इसको आप क्या कहेंगे, फाइलोक्लेड, ठीक है। दोनों हमारे पास स्टेम की मॉडिफिकेशन है जो कि लीव्स के तौर पर यूज़ होते हैं, मतलब उनका जो काम है वो लीफ का जैसा होता है, ग्रीन इन कलर होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, ये बेसिकली यूफोरबिया में पाए जाते हैं, और मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह, जिन्होंने पानी को अपने अंदर कंजर्व करना होता है, रिटेन करना होता है, उनके अंदर ये पाए जाते हैं ताकि जो लीफ है उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो सके। इसके अलावा स्टेम्स, स्पाइंस एंड थॉर्न्स, स्टेम्स, स्पाइंस और थॉर्न्स को भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि कुछ ऐसी स्टेम्स भी हैं, जैसे कि हम लोगों ने स्टेम देखी थी, उनके अंदर जो उसकी स्टेम ही जो है वो मॉडिफाई हो जाती है ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर में, शार्प स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइन, ठीक है। और थॉर्न्स भी उसे कहते हैं कि शार्प ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर को, ताकि किसी भी डेंजर से, किसी भी जो है वो थ्रेट से महफूज रखा जा सके प्लांट को, और ये लॉस ऑफ वाटर जो है उसको भी प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के जो एनिमल हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स, ये जो स्पाइंस हैं उनको अपनी तरह से दूर रखते हैं, जैसे ही कोई एनिमल इसको खाने की कोशिश करेगा इस प्लांट को, तो उसको ये जो शार्प स्ट्रक्चर है, स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर हैं, वो उसको प्रिवेंट करेंगे कि वो इस प्लांट के ऊपर ना आए। तो ये इस वजह से इसकी मॉडिफिकेशन है स्टेम की। नेक्स्ट है हमारे पास थैलेमस एंड टोरस। थैलेमस और टोरस जो होता है वो स्टॉक है फ्लावर का, जैसे आप लोग फ्लावर देखते हैं, ठीक है। तो ये फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर होगा तो उसकी जो इसकी इस तरह का बेसल पोर्शन होता है उसे आप क्या कहते हैं, ये वाला जो बेसल पोर्शन होता है उसे आप कहते हैं थैलेमस या फिर टोरस, जिसके ऊपर सेपल्स, पेटल्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, सब कुछ जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो इसी थैलेमस और टोरस के ऊपर मौजूद होते हैं। तो थैलेमस बेसिकली क्या है, एक जो है स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड स्टेम ही है जो कि अरेंज होती है मुख्तलिफ तरह के फोलिएज लीव्स बनाने के लिए। फोलिएज लीव्स मतलब कौन से लीव, जिसके अंदर हमारे पास सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, मुख्तलिफ तरह के जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए अरेंज हुई होती है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास थी स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेम्स, जिसके अंदर हमने चार टाइप्स को डिस्कस किया, स्टेम टेंड्रिल्स मतलब जिसके अंदर टेंड्रिल्स बनते हैं, फाइलोक्लेड और क्लेडोड जिसके अंदर हमने कहा कि स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाती है लीफ में, स्टेम, स्पाइंस और थॉर्न्स को हमने डिस्कस किया, थैलेमस और टोरस जो कि बेसल पोर्शन होता है किसी भी फ्लावर का। नेक्स्ट अगर हम जनरल फंक्शंस डिस्कस कर लें स्टेम के जनरल फंक्शन, तो हम क्या कहते हैं, स्टेम बियर्स फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स। स्टेम के ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं और लीव्स भी होते हैं, ठीक है। स्टेम कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस, स्टेम वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंसेस को नीचे रूट से ऊपर तक लेके आती है, क्योंकि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज मौजूद होते हैं, वो जो है वाटर और सब्सटेंसेस की कंडक्शन में हेल्प करते हैं, रूट से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी लेकर आ रहे होते हैं।
स्टेम लाइक ट्यूबर स्टोर फूड, जैसे कि पोटैटो अपने अंदर फूड को स्टोर करता है. इन सम दे सर्व द फंक्शन ऑफ लीव्स लाइक फाइलोक्लेडेड एंड क्लेडोड. जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि कुछ में जो है वो स्टेम लीव लाइक का स्ट्रक्चर भी परफॉर्म कर रही होती है. सम आर यूज फॉर क्लाइंबिंग, जैसे कि हम लोगों ने वाइन्स वगैरह में देखी कि उनकी प्लांट्स जो हैं उनकी जो स्टेम है वो टेंड्रिल्स बनाती हैं और क्लाइंबिंग के तौर पर यूज़ करती हैं उसको हम. स्टेम इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल, जैसे हमने पीछे अभी स्पाइंस में भी डिस्कस किया कि थॉर्न्स वगैरह जो शार्प स्ट्रक्चर होते हैं, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को किसी भी ग्रेजिंग एनिमल से. यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्टेम को, जैसे कि हमने पोटैटो में भी देखा. ठीक है बेटा, तो ये हमारी थी मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्टेम, जिसमें हमने इसकी मजीद टाइप्स को डिस्कस किया. एरियल स्टेम को डिस्कस किया हमने प्रीवियस लेक्चर में. इस लेक्चर में हमने अंडरग्राउंड स्टेम को देखा, उसकी मॉडिफिकेशंस को देखा, उसके फंक्शंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखा. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.